दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए अक्टूबर 2022 की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए यहाँ पर ये भर्ती निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। DST के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। 309 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अक्टूबर 2022 है। इस भर्ती के लिए खास बात ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं DST रिक्रूटमेंट 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट की। 309 वैकेंसी जिसके लिए यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 अक्टूबर 2022 है। 18,000 से 56,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात अगर आयु सीमा की जाए तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है। मैक्सिमम UR मेल के लिए 37 वर्ष है। UR फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। OBC BC मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। SST मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। dst.bihar.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन आउट हो चुका है। 23/9 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 31/10/2022 है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही आप कर सकते हो। कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक लेवल पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है। यहाँ पर बात अगर इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 99 वैकेंसीज है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर 238 और 71 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 300 से अधिक वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बाकी का क्राइटेरिया भी दिया गया है, जैसे कि आवेदन करने की प्रक्रिया, आयु सीमा की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी डिटेल आपको यहां पर हिंदी में दी गई है कि कैसे आपको आवेदन करना होगा। dst.bihar.gov.in पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। उसके बाद में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और जो जो डिटेल आपसे वहां पर मांगी गई है वह आपको उसमें ध्यानपूर्वक भरनी होगी और फाइनली आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपली यहां से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट रिसोर्स लिंक भी हमारे पोर्टल पर ही दिया गया है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इनको आप रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन की PDF आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट करके यहां पर लिंक दिया गया है। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक ये सभी इंस्ट्रक्शंस रीड करने होंगे जो कि यहां पर आपको दिए गए हैं। फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कितने KB में अपलोड करने हैं वो भी डिटेल यहां पर दी गई है, जैसे
कि यहाँ पर आप देख सकते हो 50 के बीच तक अपलोड कर सकते हो 200 से 230 पीएक्स के लिए, और यहाँ पर सिग्नेचर की बात की जाए तो 20 के बीच तक आप अपलोड कर सकते हो 140 गुना यहाँ पर 60 पीएक्स। इस तरह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी डिटेल दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल भरनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, सर्टिफिकेट डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहां पर लॉगिन करके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का यहां पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर इसमें पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, यहां पर आप उसके बाद में देख सकते हो यहां पर आपको यहां पर कैंडिडेट्स का नेम फिलअप करना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ ओटीपी जनरेट करना होगा। उसके बाद में यहां पर ओटीपी फिलअप करना होगा, जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद में यहां पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा यहां पर। उसके बाद में आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एक कैप्चा फिलअप करते हुए रजिस्टर की टैब पर इस बॉक्स पर क्लिक करते हुए क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप यहां से रजिस्ट्रेशन करते हुए इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।